नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर से जो हमें जो फूल मिलता है, जो हम कोई मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो पंडित जी हमें जो फूल देते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो ये उपाय जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय हमने अपने महाराज अपने पंडित जी से जाना है, तो हमने सोचा हम आपको ये बताते हैं। तो जब हम कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो भगवान के पास से जो फूल लेके आते हैं हम अपने घर, तो उसे हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ही कहीं पे रख देते हैं, कहीं पे उसे रख के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस फूल को अपनी आँखों से लगाना चाहिए, अपने सीने से लगाना चाहिए, और सबसे मुख्य मुख्य जगह हमें अपने उस फूल को अपने कानों से लगाना चाहिए, क्योंकि कान ही हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिसके माध्यम से हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, और अपने मन में भगवान की एक सुंदर छवि बनाते हैं। तो इसलिए हमें जो मंदिर से जो फूल मिले या फिर जो फूल हम लेके आए, उसे ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, उसे संभाल के अपने पास रखना चाहिए। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।